वो लोग जिनको गोश्त नहीं पसंद, जिनको चिकन नहीं पसंद, जो लोग वेजिटेरियन है, आज खास स्पेशल मैं उनके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, देख के आपको अंदाज़ा हो रहा है, साबत टींडे। ठीक है, मसालेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार साबत टींडे। जिनको साबत टींडे बहुत पसंद है, जो उनके शौकीन है, उनके लिए मैं एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, ये देखें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कोशिश करें कि टिंडों को आप पीलर से छीलें। अगर छुरी से छीलेंगे तो एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और दूसरा कटिंग जो होगी वो नीट नहीं होगी। ऑयल लिया मैंने हाफ कप, 4 मीडियम अनियन लिया मैंने, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको गोल्डन ब्राउन करूँगी। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। याद रखिएगा इसी स्टेज पे डालने हैं। खड़े मसालों में मैंने 5 से 6 लौंग ली हैं, 2 इलायची ली हैं, सब्ज़ इलायची ली है, 20 से 25 मैंने साबुत काली मिर्च ली है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा ली है, 2 तेज़पत्ते ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया और 1 बड़ी इलायची ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसालों को कड़कड़ाऊँगी ऑयल में थोड़ा सा और इसके बाद टमाटर शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर 40 सेकेंड के लिए इसको सौते करूँगी और अब साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको छोटा छोटा बारीक काट दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ आंच पे इनका पानी खुशक करूँगी और फिर इसको दम की आंच पे रखूँगी और मसाला गलने दूंगी ताकि अच्छी तरह हमारा मसाला तैयार हो जाए। पानी हमारा होशक हो चुका है, अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। मसालों में मैंने 2 टेबलस्पून पीसा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी लिया है, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और नमक हंसपे सरेगा। जिसमें दायरा मांग रही हूँ कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इनको बिल्कुल दम की आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं और हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। मसाले को चेक करते हैं कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, ये ले जी हमारा मसाला रेडी है। टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं और जो थोड़े बहुत सख्त रह गए हैं आप उनको डोई की मदद से पीस लें। अब मैं इसमें अपने टिंडे शामिल कर दूंगी। टिंडे मैंने लिए हैं 1.5 किलो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरोज महमूद एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन लिटिल हैप्पीनेस विद महरोज। टिंडे जो हैं देखिए मैंने इस तरह सारे नहीं काटे, 2 कट लगा के इनको इक्वल हाफ्स में काट लिया है। देखें नीचे से बिल्कुल साबत है, ऊपर से बस 2 कट लगाए हैं, नीचे बेस जो है वो सेम है। ठीक है, इस तरह से हर टिंडा जो है मैं बीच में शामिल कर दूंगी। पूरे मैंने नहीं काटे, इस तरह टिंडे क्योंकि जल्दी गल जाते हैं तो आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी एनर्जी भी सेव होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे मैं शामिल कर दूँगी। इस स्टेज में मैं 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा के शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपने सुभानअल्लाह टिंडे हमारे गल गए हैं। इस स्टेज पे मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शामिल कर दूंगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और आपका जो फ्लेवर है वो एनहांस होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी
मसालेदार मज़ेदार खड़े हमारे टीडे तैयार हैं, साबित टीडे तैयार हैं। जिसने साबित रखना है साबित रखे, जिसने इनको भुना हुआ खाना है रखे, तो भुन गया छिट्टी किसे वो डोई से इसको तोड़ लें। धनिया डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। आपका टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।